रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय छात्रों की वतन वापसी जारी है। रविवार को यूक्रेन के खार्किव में खरगोन का छात्र दक्ष कमल सिंह ठाकुर अपने घर सकुशल लौटा। ऑपरेशन गंगा के तहत उसकी घर वापसी हुई। दक्ष ने युद्ध के हालातों को बयां करते हुए कहा कि हालात बिगड़े जरूर थे, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने देश भारत घर जरूर पहुंचेंगे। और 23 फरवरी को ही घर वापसी की टिकट ले ली थी, लेकिन 24 से हमले शुरू हो गए और वो घर नहीं लौट पाए। हम लोग लेट हो गए और फिर मैंने 23 को टिकट करा भी ली थी, लेकिन 24 को ही सुबह सुबह जो है अटैक हो गया था। क्या सोचा था, युद्ध शुरू हो गया था, ऐसा लगा था कि अब वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं, वो तो था ही, इंडिया तो जाएंगी, बस ये था कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी, लेकिन थोड़ा लेट चल गया वो। और वहाँ क्या क्या परेशानी आई है, फिर अच्छे से रहे आप लोग? नहीं, हम लोगों ने फूड की पहले जो है पूरा ही मतलब इकट्ठा कर लिया था। कितने दिन का राशन चला था? 15 दिन का, कि हमें क्योंकि 24 को जब सुबह सुबह ब्लास्ट हुआ था पहली बार, तभी हम लोग सुपरमार्केट चले गए थे और हमने पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट्स कर लिए थे।